सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार मुझे काफी सारे कमेंट मिल रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिल रहा है, टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर रहे हो कि यार सर लेटरल एंट्री कैसे होता है, लेटरल एंट्री क्या है, कोई एग्जाम देना पड़ेगा क्या मध्य प्रदेश में अगर आप डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा इन टेक्नोलॉजी या कोई भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ब्रांच कोई भी कर रखा है आपने और आप बीटेक करना चाहते हो, जैसे कि आपको ये चीज तो पता हो ना लेटरल एंट्री क्या होता है, नहीं पता तो बता दे रहा हूं। देखो क्या होता है, जब आप डिप्लोमा करते हो ना क्लास 10th या 12th के बाद, जब आप डिप्लोमा करते हो तो 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है जिस भी फील्ड से किए हो उस फील्ड से। उसके बाद अगर आपका बीटेक करने का मन होता है तो फिर आप जब डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लोगे ना, तो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर से नहीं पढ़ना होगा, आपको बीटेक सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और इसी को कहते हैं लेटरल एंट्री, ठीक है, इन बीटेक। ओके तो देखो फर्स्ट राउंड तो इसका खत्म हो चुका है। जिन बच्चों को नहीं पता है लेटरल एंट्री एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट राउंड खत्म भी हो चुका है, भैया सतर्क हो जाओ। आज है 5 अक्टूबर, 6-7 परसों लास्ट डेट है सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का। तो अगर आपको नहीं पता है, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में आफ्टर डिप्लोमा के बाद, तो भैया 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, जल्दी से अप्लाई कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीजें बात करने वाले हैं कि कैसे सीट चेक करें, कौन कौन से कॉलेज में लेटरल एडमिशन होता है नहीं होता है, कैसे चेकआउट करें, कितनी सीट बची है फर्स्ट राउंड के बाद, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा भी अपने दोस्तों से जिनको जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी हम मध्य प्रदेश डीटी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पे हैं। तो जो भी बच्चे मध्य प्रदेश में लेटरल एंट्री बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो। अगर आप दूसरी स्टेट से है ना तो भी आप मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं। देखो जो टॉप के मैंने एक वीडियो बनाया था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लेटरल एंट्री जो लीड एग्जाम दिया जाता है ना, हर स्टेट का अपना लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश का नहीं है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में डायरेक्ट आपके मेरिट बेस पे एडमिशन मिल जाता है, ये अपने मध्य प्रदेश में बड़ी अच्छी चीज है। दिल्ली की बात कर ले, फिर साउथ की स्टेट्स के बारे में बात कर ले, यूपी में बात कर ले, यूपी लीट एग्जाम होता है, वो लीट एग्जाम देना पड़ता है आपको। उस एग्जाम में आपके जो मेरिट आते हैं ना, उस मेरिट के बेस पे अच्छे टॉप के लीट टॉप के कॉलेजेस मिल पाते हैं बीटेक के लिए। बट एमपी में ऐसा नहीं है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करना चाहते हो आफ्टर डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू, तो भैया आपके डिप्लोमा के नंबर, 12th के नंबर पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट राउंड आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता था चलेगा, सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, परसों 7 तारीख को लास्ट डेट है, ठीक है। अब कैसे चेकआउट करोगे भाई, तो देखो यहां पे आना है सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, ये एमपी डीटी और एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है, यहां पे चले जाओ ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, यहां पे चले जाओ लेटरल एंट्री बी फार्मा, यहां शेड्यूल पे चले जाओ और शेड्यूल पे यहां आएगा, क्लिक करोगे तो इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। फर्स्ट राउंड जो था इसका 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और 19 सितंबर को इसका लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, और फिर काउंसलिंग का सेशन था, फिर सीट अलॉटमेंट एडमिशन ये सब था। चलो नहीं छूट गया कोई बात नहीं, अभी ध्यान दो सेकंड चरण जो चालू हुआ है द्वितीय राउंड, ये 30 सितंबर से चालू है, 7 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है डिप्लोमा के बाद बीटेक डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 तारीख से पहले भैया जाके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर ले। कैसे कर रहा है वो सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है। जब आप 7 तारीख को के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको 8 और 9 दो दिन मिलेगा आपको, अगर कुछ गलत जल्दीबाजी में कुछ गलत वगैरह भर दिया है फॉर्म में तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चॉइस फिलिंग 2 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 तारीख से स्टार्ट है, चॉइस फिलिंग चल रहा है 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर को, इस बीच में आप जो भी कॉलेजेस चाहते हो उसकी चॉइस फिलिंग कर लो, ठीक है। और 12 तारीख को कॉमन मेरिट सूची आपको लिस्ट मिल जाएगी इसी पे कि आप देख सकते हो आपने जो कॉलेज भरा था क्या वो कॉलेज आपको मिला या नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद 17 तारीख से 22-10 के बीच में आपको भैया कॉलेज जाकर फीस सबमिट करके एडमिशन लेना ले लेना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर सीएलसी राउंड चालू होगा 27 तारीख के बाद से, 27-10 से कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तब तक तो बहुत सारी सीट फुल हो जाएंगी यार, है ना। हो सकता है 3rd या 4th राउंड भी चालू हो क्योंकि फर्स्ट राउंड में इतनी सीट्स भरी नहीं है, मैं चेकआउट किया हूं काफी कॉलेजेस की सीट तो 0-0 दिखा रहा है, फुली नहीं है, ठीक है। तो ये भी कैसे चेक करना है ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ओके।
तो सबसे पहले हम लोग डीटीए एमपी ऑनलाइन की पोर्टल ओपन किए, सेलेक्ट ग्रेजुएट पे चले जाओ, यहाँ पे लेटरल एंट्री पे चले जाओ, अप्लाई फॉर काउंसलिंग से यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो, सेकंड राउंड देखो, रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे अपने सारे डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम के बेस्ड पे। ठीक है, तो यार यहां पे आने के बाद यहां पे आपको इस पे टिक करके कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद यहां पूछ रहा है डू यू हैव एमपी ऑनलाइन काउंसलिंग रोल नंबर। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, आपको अच्छा मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास रोल नंबर तो होगा, देन यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक कर दोगे तो आपको फिर से पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना फर्स्ट काउंसलिंग वाला रोल नंबर डालो, फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप काउंसलिंग कर पाओगे। बट अगर आपने नहीं किया अभी तक रजिस्ट्रेशन तो नो पे क्लिक करो। जैसे नो पे क्लिक करोगे तो अपने सारे डिटेल यहां पे फिल आउट करके आपको अपना यहां पे आईडी बनेगा, वो आईडी को फिर लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, अपन वापस से चलते हैं बैक। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पे फिर एडिट रजिस्ट्रेशन 8 और 9 तारीख के बीच में आप इसको रजिस्ट्रेशन करते, ये भी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाएगा। लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग, उसके बाद आपको जो अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, तो यहां पर आकर आपको लॉगिन करना है और अपने चॉइस फिलिंग को आकर यहां पे एडिट करना है। ठीक है, एडिट एंड रीचॉइस फिलिंग यहां पे क्लिक हियर करके रीचॉइस कर लो, फिर 10 और 11 को मिलेगा आपको अपना चॉइस फिलिंग को अगर एडिट करना चाहते हो तो 10 11 मिलेगा, दो दिन ओपन होगा, अपना काउंसलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो कॉलेजेस को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिर आपका, आप ये 12 तारीख को मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना, और फिर 17 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर अपने कॉलेज पहुंच जाना है एडमिशन करने के लिए। ठीक है, फिर कॉलेज लेवल चालू होगा 25 तारीख से, तो ये आपको यहां से आपको एडमिशन करना है। अब मैं बात करता हूं सीट कितनी कहां बची है, तो देखो वैकेंसी आफ्टर, यहां पे कॉलेज इंफॉर्मेशन में आना, यहां वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट होने के बाद, सीट अलॉट होने के बाद कितने, अलॉटमेंट तो हो जाता है लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, है ना, तो मैं वैकेंसी आफ्टर एडमिशन को देखना ज्यादा प्रेफरेंस करूंगा। ठीक है, यहां पे सेलेक्ट कोर्स में आप यहां सेलेक्ट कर लेना लेटरल एंट्री बी और बी फार्मा, इसको सेलेक्ट करके व्यू कर लेना है। अब जितने भी मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं उसमें जहां पे लेटरल एंट्री हो रहा है वहां पे कितने सीट लेटरल एंट्री के लिए रखा गया है और कितने में एडमिशन हो गया वो आपको दिख जाएगा। तो देखो एक्रोपोलिस में फार्मेसी के लिए, फार्मा में 12 सीट है लेटरल एंट्री के लिए, जिसमें से एक भी अभी तक एडमिट नहीं हुए, एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है, टोटल 12 सीट वैकेंट है। फिर इसी कॉलेज में सिविल के लिए 13 लेटरल एंट्री, जिसमें से 4 फर्स्ट राउंड में 4 का हो चुका है। ठीक है, देखो लेटेस्ट अपडेट है, 5-10 या आज का लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से हर कॉलेज का आप देख सकते हो, हर कॉलेज का, इसमें कुछ गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं, चलिए मैं दिखाता हूं आपको, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जहां लेटरल एंट्री हो रही है। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में, है ना, फार्मेसी में 9 सीटें पूरी की पूरी खाली है, यार क्या कर रहे हो, जल्दी लूंगा, ऐसे गवर्नमेंट संस्था में बताओ यार, प्राइवेट ऑन यूनिवर्सिटी है, बेस्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज मानती है, माना जाता है। ठीक है, फिर और बात करते हैं कि इसके बाद आप देखो, ये देखो इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, आईजीईसी सागर सिविल में 5 लेटरल एंट्री की सीट है, 3 भर चुकी है, 2 ही खाली है। ठीक है, इस ध्यान में रखना। फिर इंदिरा गांधी इसी में फिर आप ईसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए 5 सीट खाली है, 3 भर चुकी है। फिर इसी में, इसी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल के लिए 5 सीट, 3 भर चुकी है, आईटी के लिए 5 सीट खाली है, 4 भर चुकी है, सिर्फ एक ही सीट खाली है भैया। ठीक है, उसके बाद हम, ठीक है, इस मैकेनिकल में 5 सीट है लेटरल एंट्री के लिए, मैकेनिकल में, अगर डिप्लोमा वाले अगर वीडियो देख रहे हो मैकेनिकल के लिए, ठीक है, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डिप्लोमा मैकेनिकल और इनके लिए, स्पेशली सीट्स कहां लेटरल एंट्री की अवेलेबल है। ठीक है, 2 सीट फिल हो चुकी है, 3 बची हुई है। फिर और भी गवर्नमेंट कुछ संस्थाएं देख लेती, ये देखो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जीवाजी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ये, है ना। फिर देखो, ये देखो जबलपुर में, भैया जबलपुर में भी सीट फुल हो रही है, जल्दी जल्दी देख सकते हो, जल्दी जल्दी एडमिशन लेना आप लोगों को। ठीक है, तो आकर चेकआउट करके यहां से आप देख सकते हो लेटरल एंट्री के लिए। बाकी स्पेशल वीडियो मैं कुछ ब्रांचेस के लिए बनाने वाला हूं अच्छे कॉलेजेस को लेकर मध्य प्रदेश के लेटरल में, तो उसको जरूर चेकआउट करना। ठीक है, चलिए, आई होप आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं भी दिक्कत हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।